Page 99, Unit 10, The Hare and the Tortoise, Khargosh or Kachwa. Page 100, Getting Started, Look at the picture and guess what it is about. Tasveer ko dekhen aur sochen kis baare mein hai. Let's talk. What can you do at home to help your mother? Aap ghar par apni ammi ki madad karne ke liye kya kar sakte hain? I can help my mother in dusting, folding clothes and watering plants. What do you do to help your teacher in your classroom? Aap kamra jamaat mein apni ustani ki madad karne ke liye kya karte hain? I clean the whiteboard, I arrange the books and I clean the desks. What can you do to make yourself a good child? Aap apne aap ko ek achha bachcha banane ke liye kya kar sakte hain? I can work hard, I can help poor people. Page 101, The Hare and the Tortoise. Pre-reading. Look at the given pictures and tell the names of the animals. Dee hui tasaveer ko dekhen aur janwaron ke naam bataen. Hare, tortoise, fox, squirrel and owl. Have you ever participated in any race? Kya kabhi aapne kisi daud mein hissa liya hai? Yes, I once participated in a race. Jee haan, maine ek baar दौड़ में हिस्सा लिया था. वन डे ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल वर हैविंग फन टुगेदर. एक दिन जंगल के तमाम जानवर मिलकर तफरी कर रहे थे. अ हेयर टोल्ड देम प्राउडली दैट ही कुड रन वेरी फास्ट. एक खरगोश ने उन्हें फखरिया अंदाज में बताया कि वो बहुत तेज़ भाग सकता है. ही वॉज मेकिंग फन ऑफ अ टॉर्टोइस फॉर हिज स्लो स्पीड. वो एक कछुए का सुस्त रफ्तारी पर मजाक उड़ा रहा था. The tortoise challenged the hare to have a race. कछुए ने खरगोश को दौड़ का चैलेंज दिया. The hare happily agreed. खरगोश खुशी से तैयार हो गया. The race started. दौड़ शुरू हुई. The hare ran very fast and left the tortoise far behind. खरगोश बहुत तेज़ भागा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया. I have much time to reach the finish line. मेरे पास इख्तितामी लकीर तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त है. I can have some rest. मैं कुछ आराम कर सकता हूँ. He thought. उसने सोचा. So he slept under a tree. इसलिए वो एक दरख्त के नीचे सो गया. ये सेकेंड पैराग्राफ इसमें प्रिंट हुआ हुआ है. इसमें एक लाइन इसमें से मिसप्रिंट थी तो उन्होंने दोबारा नीचे इस पैराग्राफ को प्रिंट कर दिया है. इसलिए हम इस पैराग्राफ को स्किप कर देंगे और थर्ड वाले को पढ़ेंगे. The tortoise kept moving slowly. कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा. एट लास्ट ही रीच द फिनिश लाइन. आखिरकार वो इख्तितामी लकीर तक पहुंच गया. द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टॉर्टोइस. जानवरों ने ऊंची आवाज़ से उसका इस्तकबाल किया. द हेयर वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. खरगोश अपनी नींद से जागा. द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन. बेचारा खरगोश इख्तितामी लकीर तक पहुँचने के लिए भागा. बट इट वॉज़ टू लेट. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. द टॉर्टोइस वॉज ओवर द लाइन. कछुआ इख्तितामी लकीर से आगे पहुंच चुका था. वाइल रीडिंग. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट व्हेन द हेयर वेक्स अप. जब खरगोश उठता है उसके आगे क्या होगा. इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा. द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन बट इट वॉज टू लेट. द टॉर्टोइस वॉज ओवर द लाइन. पेज 102. पोस्ट रीडिंग. वाई वॉज द हेयर सैड एट द एंड. खरगोश इख्तिताम पर क्यों उदास था. बिकॉज ही लॉस्ट द रेस. क्योंकि वो दौड़ हार चुका था. वट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा. I learned that slow and steady wins the race and pride hath a fall. Pride hath a fall का मतलब है कि गुरूर का सर नीचा होता है. Oral communication. Learning the sounds. S and Z sounds in plurals. जब हम किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाते हैं यानी जमा में उसे चेंज करते हैं ज़्यादा चीज़ों में करते हैं तो कुछ प्लूरल्स में S का साउंड आता है एंड पर और कुछ में Z का साउंड आता है. Read me. Some plural nouns end with an S sound. For example, books, cups, cats, etc. यानी कुछ plural noun जो होते हैं उनका end जब आता है तो S की sound निकलती है. जैसे cups, books, cats.
some plural nouns end with a z sound और कुछ z के sound पे end होते हैं जैसे trees, z की आवाज़ आ रही है, cars, etc. s sound वाले words अब हम पढ़ेंगे rabbit, rabbits, cup, cups, duck, ducks, bat, bats, frog, frogs, z sound, bed, beds, sparrow, sparrows, room, rooms, hare, hares, word, words. Circle the plurals that end in S sound and square the plurals that end in Z sound. जो plurals S sound पे end हो रहे हैं उनको हमने circle कर देना है, जिनमें Z की sound आ रही है उन्हें square करना है. जैसे ants, A-N-T-S, ants है ये, S की आवाज़ आ रही है तो इसे circle करेंगे. Hats, hats में भी S की आवाज़ आ रही है, इसे circle करेंगे. यहाँ से ये misprint हो गया, इधर S आना था. T-I-G-E-R-S, tigers, इसमें एंड पे Z की आवाज़ आ रही है इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे. फ्लावर्स, इसके भी स्क्वायर बन जाएगा. पांडास, स्क्वायर. स्नेक्स, S की आवाज़ आ गई, सर्कल. बुक्स, सर्कल हो जाएंगी. डॉग्स, इसमें Z की आवाज़ आ रही है तो इसके गिर्द स्क्वायर बना देंगे. पेज 103, लर्निंग टू स्पीक. Read and practice the given dialogue. इस मुकालमे को पढ़ें और प्रैक्टिस करें. Here, hello little tortoise, how are you? खरगोश, hello छोटे कछुए, तुम कैसे हो? Tortoise, hi, I am fine, how are you? कछुआ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? Here, I am also fine, मैं भी ठीक हूँ. Can we play together? क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं? Tortoise, yes, sure, हाँ बिल्कुल. What do you want to play? तुम क्या खेलना चाहते हो? Here, let's have a race. चलो दौड़ लगाते हैं. Do you like racing? क्या तुम्हें दौड़ लगाना अच्छा लगता है? Tortoise, yes, I really like it. Let's race. हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है. चलो दौड़ लगाते हैं. Read the given dialogue and express your enjoyment while playing in your school. इसी तरह एक डायलॉग बनाना है जब स्कूल में आप खेल रहे हों. Reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer the questions. What happened during the race? Race के दौरान क्या हुआ? The hare slept under a tree. खरगोश दरख्त के नीचे सो गया. And the tortoise kept moving slowly. और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा. Who was proud? कौन मगरूर था? The hare was proud. खरगोश मगरूर था. What do you learn from the story? आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? I learned that we should not be proud on our abilities. मैंने ये सीखा कि हमें अपनी काबिलियत पर गुरूर नहीं करना चाहिए. Fill in the blanks using the given word bank. अब blanks को fill करेंगे. The tortoise reached the finish line first. A hare was making fun of the tortoise. The hare felt ashamed. He said sorry to the tortoise for his proud behavior. The tortoise challenged the hare to a race. Page 104. Language focus. Vocabulary building. Read the following words and learn their meanings. इन अल्फाज को पढ़ना है और उनके मीनिंग्स याद करने हैं. Challenge, dare, यानी कोई जुरत वाला काम. Cheer, a shout of joy, खुशी से चीखना. Proud, प्राउड का मतलब होता है मगरूर. फीलिंग बेटर देन अदर्स, यानी दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छा महसूस करना कि मुझे ज़्यादा आता है. रूड, इम्पोलाइट. रूड का मतलब इम्पोलाइट यानी बदतमीजी से किसी से बात करना. एनिमल नेम्स. रीड द गिवन एनिमल नेम्स. वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, बियर, एलिफेंट. वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर. फार्म एनिमल्स, हॉर्स, हैन, रैबिट. Think of two more wild animals and farm animals and write their names below. Wild animals, lion, giraffe. इसके अलावा आप खुद भी लिख सकते हैं जो भी नाम आपको आता हो. Farm animals, cow, duck. Learning to spell. Read the given sight words. T-H-E-M, them. D-I-D, did. C-A-N, can. S-O, so. N-O-T, not. Page 105. Write the sight words from the word bank in the shape boxes that fit. अब boxes में fit करना है words को. R U N, run. F I N D, find. T E N, ten.
SOON, soon, DRINK, drink. Fill in the missing letters to complete the words. Words ko complete karna hai. HARE, hair. FAST, fast. SLOW, slow. SLEEP, sleep. TREE, tree. HORSE, horse. Grammar. Read me. Possessive adjectives are used to show possessions, yani koi cheez aapki milkiyat hai to usko show karne ke liye possessive adjectives use hote hain. They show that something belongs to someone, ye show karte hain ki koi cheez kisi ki milkiyat hai. Words showing possession, read the following sentences and notice the use of possessive adjectives. Ab hum inka istemal padhenge. I am Asma, main Asma hoon. This is my rabbit, ye mera khargosh hai. Ab my use ho raha hai to ye kya hoga? Possessive adjective hoga. We are classmates. This is our school. Ye hamara school hai. Isme our possessive adjective hoga. You are Hare's. This is your duck. Your ka matlab hai tumhari. To your possessive adjective hoga. Page 106. Fill in the blanks with our, my or your. I am Samra. This is my pet. Main Samra hoon. Ye mera paltu janwar hai. We are brother and sister, hum bhai aur behan hain. This is our house, ye hamara ghar hai. Hamara ke liye our istemal hota hai. You are Aaron, tum Aaron ho. This is your pencil, ye tumhari pencil hai. Your hota hai tumhari. To ye sare possessive adjectives ho gaye. Question mark. Read me. We use a question mark at the end of a question. Hum sawal ke aakhir par सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं. Read the given questions and notice the use of question mark. What is this? ये question है तो इसके आगे question mark आ जाएगा. इसका answer है this is a car, तो इसके आगे question mark नहीं आ सकता. इसके end पर full stop आएगा क्योंकि ये एक answer है, एक sentence है. When will Sara come? Sara कब आएगी? इसमें भी question पूछा जा रहा है तो question mark. Sara will come on Sunday. Sara इतवार को आएगी, full stop. Why are you late? तुम देर से क्यों आए हो? Question mark. I missed the school bus. मैंने school bus miss कर दी थी, full stop. Make two questions of your own. खुद से दो सवालात बनाएं. Remember to use question mark और question mark यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल करना याद रखें. What is your name? आपका क्या नाम है? Question mark. Why are you crying? Question mark. आप क्यों रो रहे हैं? Commands. Read me. When we ask somebody to do something, जब हम किसी को कोई काम करने का कहते हैं, it is called a command, तो इसे command कहा जाता है, यानी हुक्म देना कहा जाता है. Look at the board. Board की तरफ देखो. Open the door. दरवाज़ा खोलो. Stop fighting. लड़ाई बंद करो. Wash your hands. अपने हाथ धो. ये सारे sentences में commands इस्तेमाल हो रही हैं. Tick the commands in the given sentences. अब इन sentences में जो command होगी उसको tick करेंगे. Give me your notebook. मुझे अपनी notebook दो. तो ये tick हो जाएगा क्योंकि ये command है. You are looking good. तुम अच्छे नज़र आ रहे हो. तो ये command नहीं है. इसमें कोई हुक्म नहीं दिया गया है. Open the window. खिड़की खोलो. ये भी एक कमांड है, टिक हो जाएगा. व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? इसमें कमांड नहीं है. इसमें हम किसी को कमांड नहीं दे रहे तो इसको टिक नहीं करना. कंप्लीट योर होमवर्क. अपना घर का काम पूरा करो. ये कमांड है इसलिए टिक आ जाएगा. पेज 107. राइटिंग. लर्निंग टू राइट. रीड एंड फिल इन द स्पीच बबल्स with the given sentences or phrases. अब इन bubbles में हमने इन sentences को लिखना है जो sentences के पास आना चाहिए. सबसे पहले hello, फिर दूसरी लड़की उसे जवाब दे रही है hi. तो अब जिसने hello कहा है पहली line उसने बोलनी है, तो यहाँ पर first line आ जाएगी how are you. अब फिर दूसरी लड़की उसे जवाब देगी I am fine, यानी मैं ठीक हूँ. अब जिसने पहले hello कहा था वो फिर से पूछ रही है What are you doing? तुम क्या कर रही हो? और दूसरी लड़की उसे जवाब देगी. नंबर फोर इधर आ जाएगा. I am playing with my rabbit. मैं अपने खरगोश के साथ खेल रही हूँ. Creative writing. Look at the picture and write three or four sentences about it. तस्वीर को देखें और तीन या चार sentences यानी जुमले इसके बारे में लिखें. You may take help from the given word bank. आप word bank से भी help ले सकते हैं.
I have a parrot. मेरे पास एक तोता है. Its name is मिठू. इसका नाम मिठू है. It has a red beak. इसकी लाल चोंच है. Its color is green. इसका रंग सब्ज़ है. I play with it. मैं इसके साथ खेलती हूँ. I love my parrot. मुझे अपने तोते से बहुत प्यार है.